नमस्कार, स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब रात 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे फटाके। सरकार ने तय की है आतिशबाजियों के लिए गाइडलाइंस। सरकार ने इस बार दिवाली और क्रिसमस और नए साल जैसे प्रमुख त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। सरकार की ओर से जारी इस निर्देश के अनुसार त्योहारों पर आतिशबाजी के समय को सीमित कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने जो है NCR क्षेत्र के जिलों में अलवर, भरतपुर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा तय कर दी है। इन जिलों में लोग जो है रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल पर भी केवल आधे घंटे यानी रात 11:55 से 12:30 बजे तक जो है यहाँ पर आधा एक घंटा जो है ये पटाखे फोड़ने की अनुमति जो है वो होगी। वही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, धार्मिक स्थलों के आसपास से 100 मीटर की दूरी पर पटाखे जलाने पर पूर्ण तरीके से रोक लगेगी। इससे मरीजों और छात्रों और धार्मिक स्थलों पर शांतिपूर्वक वातावरण बनाए रखने की मदद मिलेगी। वही पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने दिवाली और अन्य मौकों पर ग्रीन फटाखों के उपयोग पर जोर दिया है। शादी ब्याह और अन्य समारोह पर सिर्फ ग्रीन फटाखे ही फोड़ने की अनुमति होगी। वही ग्रीन फटाखों से होने वाला प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है, जिसे वायु गुणवत्ता बनाए रखने और वायु गुणवत्ता बनाने में जो है इसमें यहाँ पर सहायता मिलती है। राज्य सरकार ने सभी जो यहाँ पर सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से निगरानी रखें। किसी भी बाजार में प्रतिबंधित पटाखे की बेचने की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। राज्य में सभी थानों के इंचार्ज को निर्देश दिया गया है कि वह स्कूल और कॉलेजों में जाकर बच्चों को पटाखे के नुकसान और सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक यहाँ पर करें। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, BSNL ने जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया को दिया है जोरदार झटका। अगस्त में जोड़े हैं 25 लाख नए ग्राहक। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के पास जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तुलना में यूजर्स बेस काफी कम है। वही लंबे समय से BSNL के यूजर्स की संख्या में गिरावट आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मानो जादू सा हो गया है। BSNL के ग्राहकों की संख्या में भारी उछाल आया है। पिछले 2 महीनों में BSNL के प्लेटफॉर्म में लाखों की संख्या में यूजर्स जुड़े हैं, जिसके पीछे एक बड़ा कारण जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया की तरफ से टैरिफ कीमतों में बढ़ोतरी करना है। वही प्राइवेट कंपनी ने जब से रिचार्ज प्लान महंगे किए तब से सस्ते रिचार्ज के लिए मोबाइल यूजर्स BSNL की तरफ रुक कर रहे हैं। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं। ट्राई के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में BSNL के यूजर्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। वही टाइक रिपोर्ट माने तो पिछले 2 महीनों में BSNL के यूएस बेस में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे लगातार सस्ते रिचार्ज प्लान पेश करना और 4G सर्विस पर तेजी से काम करना जैसे कारण शामिल है। सस्ते प्लान के साथ BSNL से लंबी वैलिडिटी वाले प्लान से यूएस को काफ़ी भा रहे हैं। वही जुलाई महीने में BSNL ने अपने साथ करीब 30 लाख नए यूएस जोड़े थे और बाकी सभी निजी कंपनियों को ग्राहकों का भारी घाटा हुआ था। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसा ही हाल जो है अगस्त महीने में काफी रहा है। अगस्त में सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने साथ 25 लाख नए यूजर्स जो है वो जोड़े हैं, यानी 25 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। अगर जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इस महीने जो है इनका बुरा हाल रहा है। जियो ने अगस्त में खोए 40 लाख से ज़्यादा ग्राहक जो है वो खोए हैं। वही एयरटेल ने 24 लाख गंवाए हैं। तो वही वोडाफोन आइडिया ने करीब 19 लाख ग्राहकों का नुकसान जो है इस कंपनी को हुआ है। वही टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये कदम रखने के बाद जो है शायद ये पहली बार ऐसा था जब एक महीने में जियो के इतने ग्राहकों की संख्या जो है कम हुई है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है निकल के सामने आ रही है। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब चालान कटते ही आएगा व्हाट्सएप पर मैसेज, बस एक क्लिक पर होगा जुर्माने का भुगतान। राजधानी दिल्ली में जो है ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन पर चालान प्रक्रिया अब जो है ऑनलाइन शॉपिंग जितनी आसान होगी। दरअसल दिल्ली सरकार व्हाट्सएप और API से चालान भरने की सुविधा वाहन मालिकों को देगी। इस नई प्रणाली के तहत उल्लंघनकर्ताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से चालान का वितरण और जुर्माने की राशि का मैसेज भेजा जाएगा। मैसेज में दिए गए भुगतान विकल्प करने से जो है उपयोगकर्ता के सीधे भुगतान गेटवे पर पहुँच जाएगा और जहाँ पर भीम UPI या विभिन्न मतलब पेटीएम फोन पे वगैरह से जो है आसानी से जो है अपना जो चालान वगैरह जो कटा है उसका जो है आसानी से भुगतान जो है वो कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जिसमें दिल्ली में ये नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे लोगों को जो है फ़ायदा जो है वो यहाँ पर मतलब चालान वगैरह भरने में जो है फ़ायदा होगा। मतलब आपको दिल्ली सरकार ने चालान स्मार्ट भुगतान के लिए सिस्टम बनाने का अब सेवा प्रदाताओं का चयन के लिए टेंडर भी जारी किया है। 30 अक्टूबर तक ये टेंडर भरा जा सकता है, जबकि ऑनलाइन प्रीपेड
डिबेट बैठक 1 नवंबर को होगी। टेंडर के अनुसार नई प्रणाली में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संदेश भेजे जाएंगे। इनमें तस्वीरें पीडीएफ वीडियो जैसे विभिन्न मीडिया प्रूफों में जो है मैसेज ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को मिलेगा। वहीं इस नई सुविधा में यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे फोन पे आदि को भी जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर लोगों को चालान का भुगतान और आसानी से जो है वो करने में मदद मिलेगी। चालान भुगतान के बाद उपयोगकर्ता को हर नए चालान पे पुश नोटिफिकेशन मिलेगा। ये नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा। प्रारंभ में ये सुविधा केवल परिवहन से संबंधित चालानों पर लागू होगी, क्योंकि व्हाट्सएप पुश मैसेज की सुविधा यह है। यहाँ पर लोगों को चालान की नियमित याद जो है वो चालान के बारे में नियमित जो है उनको याद जो है वो किया जाएगा, याद दिलाने के लिए किया जाता है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि खबरें जो है आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।